नमस्कार दोस्तों, ए टू जेड ऑनलाइन ट्रिक चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों, मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि आधार कार्ड कैसे डाउनलोड करते हैं। तो सबसे पहले दोस्त आपको क्या करना है कि अपने मोबाइल के जो क्रोम ब्राउजर है उसको पहले आपको ओपन करना है, जैसे मैं अभी आपको स्टेप बाय स्टेप बता रहा हूँ। पहले आपको क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ओपन करने के बाद में आपको गवर्नमेंट की वेबसाइट लगानी है, यू डी आई। उसके बाद में सकने के बाद में एक इंटरफेस खुलेगा। इंटरफेस खुलने के बाद में ऊपरी ऊपर लिखा है यू डी आई, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपको नीचे आना है। नीचे आने के बाद में यहाँ देखिए फर्स्ट नंबर्स का ऑप्शन है, लोकेट एन एनरोलमेंट सेंटर, बुक एन अपॉइंटमेंट, चेक आधार स्टेटस। फोर्थ नंबर है डाउनलोड आधार, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में एक दूसरा इंटरफेस खुलेगा, दूसरी टैब खुलेगी। आपको थोड़ा वेट करना है क्योंकि ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है, बहुत ही स्लो चलती है, थोड़ा वेट करना होगा आपको। ये देखिए दोस्तों, आपके सामने साइट ओपन हो गई है। साइट ओपन होने के बाद में आपको क्या करना है, इसमें जो नीचे लिखा हुआ आ रहा है आधार नंबर है तो आधार नंबर डाल दीजिए, इनरोलमेंट आईडी है तो वो डाल दीजिए। इनरोलमेंट आईडी आती है जैसे कि आप आधार सेंटर पे कोई भी करेक्शन कराने के लिए जाते हो तो वो जो स्लिप आपको मिलती है उसके ऊपर है ना इनरोलमेंट आईडी आती है, वो आप डाल सकते हो। वर्चुअल आईडी आती है जिसे आधार नंबर के नीचे लिखा हुआ आता है 16 डिजिट का, वो आती है वर्चुअल आईडी। तो आपको मैं बताता हूँ, मैं खुद के अपने आधार नंबर इसमें डालता हूँ। ये मैंने अपने आधार नंबर डाल लिए हैं। इसके बाद में नीचे क्या करना है, ये जो टिक का निशान है आई वांट ए मास आधार, इस पे आपको क्लिक नहीं करना है, इसको वापस हटा देना है। फिर नीचे आपको कैप्स लॉक डालने हैं, पूरे कैपिटल में डालने हैं कैप्चा QYQ। उसके बाद में इंटर OTP आपको करना है कि आपके आधार में जो मोबाइल नंबर अपडेट है उस पे एक OTP जाएगा, तो मैं इस पे सेंड OTP करता हूँ। अभी मेरे पास OTP आएगा, एक मेरे पास OTP आ चुका है 9500779500770। अभी आपको नीचे जाना है। नीचे जाने के तो ये लिखा है टाक ए क्यूक सर्वे, आपसे सर्वे कराएगा। डू यू कैन ऑर्डर रिसिप्ट एंड आधार लेटा UDI वेबसाइट, तो इस पर यस कर दो, नो कर दो, कोई दिक्कत नहीं है। सेकंड ऑप्शन है टू इन हाउ मनी डेट डिड यू रिसीव द रीप्रिंट आधार लेटर आफ्टर गेटिंग SMS इन फ्रॉम इंडिया पोस्ट। इसमें कुछ भी कर दो, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई भी ऑप्शन कर दो। फिर आपको करना है नीचे वेरीफाई एंड डाउनलोड, इस पर आपको क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद में आपका आधार PDF फॉर्मेट में डाउनलोड हो जाएगा। ये देखिए मेरे पास डाउनलोड हो चुका है। अभी इसमें सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात ये है कि किसी को ये नहीं पता कि मेरा डाउनलोड तो हो गया, बस मैं इसको ओपन कैसे करूं। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो आधार कार्ड में जो आपका नाम है, जैसे कोई भी नाम ले लो, एग्जांपल आपका विकास नाम है एग्जांपल, तो आपको कैपिटल में नाम के फर्स्ट 4 डिजिट इसमें इंटर करना है, जैसे VIKA, ये आपको इसमें इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपको उसकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, डेट ऑफ बर्थ इसमें आपको प्रेस करनी है, जैसे एग्जांपल तौर पे 15 अगस्त 1989 है, तो आपको इसमें 1989 ही इसमें प्रेस इंटर करना है। इंटर करने के बाद में आपको इसको ओपन करना है। ओपन करोगे तो ये आपका आधार डाउनलोड हो जाएगा। चलिए दोस्तों, थैंक यू। वीडियो पसंद आया है तो लाइक एंड शेयर ज़रूर कर दीजिएगा।